हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं पाकिस्तान के टॉप ट्रेंडिंग में जाने वाले ड्रामा सीरियल। ये रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं और आप ये ड्रामा सीरियल लाजमी देखिएगा। नंबर 5, काला डोरिया। ये 16 सितंबर 2022 को हम टीवी पर रिलीज़ हुआ। इसको लिखा साइमा अकरम चौधरी ने था और इसकी स्टोरी आपने अगर सुनो चंदा चुपके चुपके ड्रामा सीरियल देखा है तो उन दोनों ड्रामा सीरियल से मिलती जुलती है और इसको भी राइट साइमा अकरम चौधरी ने ही किया है। इसके कास्ट में आपको सना जवेद, उस्मान खालिद बट, नादिया अफगन, इसके कास्ट में आपको फरहान अली आगा और एलिसफीना भी देखने को मिलेंगे। और इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी दो फैमिली के गिर्द घूमती है जो भाई दो के जायदाद की खातिर अलग अलग हो जाते हैं और वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहते हैं, जिनकी वजह से उनके ख़ानदान में बहुत ज़्यादा रंजिशें पैदा आ जाती हैं। और ये ड्रामा सीरियल बहुत ही ज़्यादा फ़नी है और नाज़रीन इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो आप भी ये ड्रामा सीरियल लाजमी देखिएगा। नंबर 4, मेरी शहज़ादी। ड्रामा सीरियल 22 सितंबर 2022 को ही हम टीवी पर रिलीज़ हुआ। इसको लिखा जंजबील आसिम शाह ने था और डायरेक्ट इसको कासम अली मुरीद ने किया। इसकी कास्ट में आपको उर्वा हुसैन, अली रहमान, सोनिया मशल, सबीन फरूकी और अतीका ओडो, शबीर जहान किरदार अदा करते हुए नजर आए। ये कहानी दानिया नामी लड़की के गिर्द घूमती है। उसकी पैदाइश पर उसकी माँ की डेथ हो जाती है, जिसके बाद उसका बाप दूसरी शादी कर लेता है और दानिया अपनी नाना नानी के पास रहती है। लेकिन उसको अपने बाप से बहुत ही ज़्यादा गिला होता है कि उसके बाप ने उसे उसके नाना नानी के पास छोड़ा हुआ है और ख़ुद ऐशभरी ज़िंदगी गुजार रहा है। नंबर 3, वबाल। ड्रामा सीरियल 3 सितंबर 2022 को रिलीज़ हुआ। इसको लिखा कैसर हयात ने था और ये आपको हफ्ता की रात को हम टीवी पर देखने को मिल जाएगा। इसकी कास्ट में आपको सारा खान, तलहा, शगुफ्ता एजाज, मीरब अली, सलीम शेख किरदार अदा करते हुए नजर आए। ये कहानी अनम नामी लड़की के गिर्द घूमती है जो कि बहुत ही ज़्यादा शोख और चंचल दिखाई गई है। फराज जो कि बहुत ही सुलझा हुआ लड़का होता है, वो गांव से जॉब करने के लिए आता है। जैसे ही वो अनम को देखता है वो उसे पसंद करने लग जाता है। अनम इसमें बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी लड़की दिखाई गई है जो कि अपने किरदार से नाज़रीन को बहुत ज़्यादा खुश कर रही है और सारा खान की एक्टिंग को तो नाज़रीन पसंद करते हैं ही। नंबर 2, वहशी। ये ड्रामा सीरियल 29 अगस्त 2022 को हम टीवी पर नशर हुआ। इसको लिखा शमाइला जैदी ने था और इस ड्रामा की कास्ट में आपको खुशहाल खान, कोमल मीर, नादिया खान, बाबर अली, शुमाइल खान किरदार अदा करते हुए नजर आए। ये कहानी एक छोटे बच्चे आसिफ की है जिसकी बचपन में उसके बाप की डेथ हो जाती है और उसकी माँ अपने भाई के घर आ जाती है, जिसके बाद उसकी शादी एक आदमी से कर दी जाती है जिसका एक छोटा बच्चा होता है। आसिफ इसके साथ बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है क्योंकि उसका सुतेला बाप उसे बहुत ज़्यादा मारता है और अपने बच्चे की बहुत ज़्यादा केयरिंग करता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा और बदतमीज़ दिखाया गया है। इस ड्रामा सीरियल में खुशहाल खान ने बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त एक्टिंग कर रहे हैं। नंबर 1, बख्तावर। ड्रामा सीरियल 27 जुलाई 2022 को हम टीवी पर नशर हुआ और इसको लिखा नादिया अख्तर ने था। इसको डायरेक्ट शाहिद शफात ने किया और इसके कास्ट में आपको यमुना जैदी, जाविया नुमान एजाज, नूरीन गुल, बाबर अली, हुमा नवाब, नूरुल हसन किरदार अदा करते हुए नजर आई। ये बख्तावर नामी एक लड़की की कहानी है जो कि अपने गांव से बाकी शहर आ जाती है और अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारना चाहती है, जिसकी वजह पर वो अपना गेटअप बदल दी है और अपना नाम बख्तावर से बख्तू रख लेती है और वो एक ढाबे पर काम करती है और फिर वो एक बड़े रईस की जान बचाती है और उसके पास काम करना स्टार्ट करती है। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें।